आज हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसे झरनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने अनोखेपन की वजह से लोगों को पसंद आते हैं। इनमें से किसी से आग निकलने का आभास होता है तो किसी से खून, कोई हजारों फुट की ऊंचाई से गिरता है तो कोई समुद्र के अंदर। हॉर्सटेल फॉल कैलिफोर्निया, यह झरना 1560 फीट ऊंचे कैप्टन माउंट से गिरता है। विंटर और स्प्रिंग सीजन में इसका बहाव तेज हो जाता है। फरवरी के आखिरी दो हफ्तों में यह झरना रंग बदल लेता है। यह हॉर्सटेल फॉल फायरफॉल में बदल जाता है। जैसे ही रात होती है यह झरने का रंग लाल हो जाता है। इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे इससे आग की लपटें निकल रही हैं। कैमरॉन फॉल कनाडा, कैमरॉन फॉल कनाडा के अल्बर्टा में है। अगर आप जून में इस झरने को देखने जाते हैं तो यह पिंक रंग का मिलेगा। इसकी वजह एक विशेष प्रकार का पदार्थ एग्रीलाइट है जो पानी में मिल जाता है। ऐसे में जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह पिंक रंग का दिखाई देता है। फॉल अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की ड्राई वैली में यह 5 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा रेड वाटरफॉल है जिसे देखकर लगता है मानो इससे खून बह रहा हो। दरअसल इस फॉल के पानी के लाल होने की वजह ऑक्सीजन, आइस और आयरन का केमिकल रिएक्शन है। इसे ब्लड फॉल के नाम से जाना जाता है। पामुकले वाटरफॉल तुर्की, 1970 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर जगह दी थी। यह झरना 860 फीट लंबा, 970 फीट चौड़ा और 525 फीट ऊंचा है। यह कार्बोनेट मिनरल्स के कारण बनने वाली टेरिस के कारण फेमस है। इसमें चट्टानों के ऊपर से टेरिस बन जाती है। अपने औषधि गुणों और गर्म पानी की वजह से यह सदियों से बाथिंग स्पॉट के रूप में प्रसिद्ध है।
नेविल केटल फॉल्स ग्रैंड मेरिस। यह झरना लेक सुपीरियर झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह वाटरफॉल एक तरफ से नदी में गिरता है तो दूसरी तरफ से पहाड़ के अंदर चला जाता है। किसी को नहीं पता कि पानी कहाँ जाता है। रिसर्च इसका पता लगाने में लगे हैं, लेकिन आज तक इसका पता किसी को नहीं चल पाया है। टेनिस। यह वाटरफॉल अमेरिका का सबसे गहरा वाटरफॉल माना जाता है। हर साल यहां 4 लाख से अधिक विजिटर आते हैं। यह सुरंग की तरह दिखाई देता है। इस 145 फीट वाटरफॉल का नाम रूबी लैम्बर्ट वाटरफॉल की खोज करने वाली महिला के नाम पर पड़ा। इसके पानी में अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। वाटरफॉल आइसलैंड। फॉग वाटरफॉल चट्टानों के बीच से बहता है। इसकी फोटोज 2015 में आइस कैलेंडर के लिए ली गई थी। इस वाटरफॉल के फोटोज और वीडियोज में झरने के चारों ओर फॉग नजर आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे फॉग का बनना टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण होता है। हॉरिजॉन्टल फॉग्स ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सिर्फ दो ही हॉरिजॉन्टल वाटरफॉल्स हैं और दोनों ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। पहाड़ों के बीच इस वाटरफॉल में पानी तेज हवा के बहाव से आगे बढ़ता है। इससे वाटरफॉल्स की हाइट 5 मीटर बढ़ जाती है।
टाइगर वाटरफॉल रोमानिया। रोमानिया में स्थित इस झरने की कोई विशेष फ्लो या साइज नहीं है, लेकिन इसका शेप और लोकेशन अनोखा है। यह चट्टान और दलदल से घिरा हुआ है। झरना भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच 45 समानांतर में स्थित है। यह दुनिया के सबसे अनूठे झरने में से एक है। अंडर वाटरफॉल मॉरिशस। पानी के अंदर झरना होना संभव नहीं है, लेकिन मॉरिशस के तट के निकट हिंद महासागर में ऐसा वाटरफॉल होने का एहसास होता है। यह बालू और गाद की वजह से होता है। यह झरना काफी गहराई में नजर आता है।